हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आप देख रहे हैं बाइक कंपटीशन, जिस पे आपको सीडीपी का सीरीज कवर कराया जा रहा है। तो आज हम पेपर टू देखेंगे सीडीपी का, जो 12 जनवरी 2022 को पूछा गया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाले वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन वन है जन्म माध्यमिक बाल अवस्था, दूसरा जन्म किशोरावस्था, तीसरा गर्भधारण मध्य बाल अवस्था, चौथा गर्भधारण किशोरावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार से बदलाव आता है। कल जो हम थे वो आज नहीं है, वो हमारे अंदर जो है वो चेंजिंग आते रहता है। तो ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास के मार्ग एवं प्रगति का सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। बच्चों के विकास, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो ये जो है हमारा बच्चों के विकास के मार्ग एवं प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन वन सही है। ऑप्शन टू, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव मार्ग तय करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन वन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण क्या है? तो समाज के रीति रिवाज को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया, दूसरा जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, तीसरा व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया, चौथा औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा आयोजित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर होगा, जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को पहला पदानुक्रम संबंध को दर्शाने के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए, तीसरा अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, चौथा समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन एवं समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? पहला अनुकूलन, दूसरा सीखने का निकटता क्षेत्र, तीसरा संरचनात्मक चित्रण, चौथा अग्रिम आयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को डैश जबकि लेब वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। पहला परिपक्वता सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा पुनर्वलन स्कीमा में बदलाव, तीसरा वेदन और अभ्यास पुनर्वलन, चौथा उद्दीपन प्रक्रिया एवं संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन के साथ जाएंगे, परिपक्वता सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन वन है निर्देशित आदान प्रदान, दूसरा व्यापारिक चर्चाएं, तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, चौथा दोहराव एवं स्मरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोहराव एवं स्मरण, ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरोल ग्लीगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के समालोचनात्मक करते हुए तर्क रखा है कि कोलबर्ग नारीवाद नैतिकता में जो पर जोर देती है को नकारते हैं। ऑप्शन वन देखभाल की नैतिकता, दूसरा नैतिक आदर्श, तीसरा न्याय की नैतिकता, चौथा सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन वन देखभाल की नैतिकता, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर
हार्वर्ड गार्डनर ने पहला बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, दूसरा प्रतिपादित किया कि संज्ञान क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, तीसरा बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की, चौथा चार गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। तो ये जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनके अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, ऑप्शन वन संकलनात्मक समझ, दूसरा गैर संदर्भित विषय वस्तु, तीसरा रटकर सीखना, चौथा परीक्षा के लिए सीखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ। अगला क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्य किस प्रकार से होता है, पहला शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा पाठ्यपुस्तक से, तीसरा अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, तथा विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फोर हो जाएगा, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलना शुरू हो जाता है, तर्क बचपन में अलगाव एवं वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिसमें कह रहा है कि बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके माता पिता को भी बताना चाहिए कि आपका बच्चा यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है और क्या इसकी योग्यता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अभिभावक को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए, मंद बुद्धि बुद्धिमान इत्यादि, दूसरा अभिभावकों की अपनी बच्चे की सीखने के बारे में समझ बना सके, तीसरा अभिभावक जान पाए कि उनके बच्चा क्या नहीं कर सकता, अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिभावकों की अपने बच्चों से सीखने के बारे में समझ बना सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्र का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें, वो उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्र दिए जाए, स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा, स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करते हैं, आज आप जो पुस्तक पढ़ें वे ऋग्वेद से किस प्रकार से भिन्न है, दूसरा पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, तीसरा हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातु का उपयोग करते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के बढ़ाव और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया, पहला विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, दूसरा सभी के लिए एक रूपीय और मानवकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, तीसरा पुस्तक एवं अन्य अधिगम सामग्री समुचित सहायक युक्ति उपलब्ध करना, सूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धति का उपयोग करना। तो समावेशी शिक्षा क्या था, जिसमें में समान बालक और विशेष आवश्यकता वाला दोनों को एक साथ लेकर स्कूल में पढ़ाया जाता, वो था हमारा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहला सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा जोर दें, दूसरा विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, तीसरा विशेष धर्म के विश्वास और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना,
चौथा विशेष धर्म से संबंधित रूढ़ी को मजबूत करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, विभिन्न धर्म के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो डिसग्राफिया यानी ग्राफिया जहाँ पे आ जाए वो उसका अर्थ होता है लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। पहला छोटे मुद्रण और चित्र वाली पुस्तक, दूसरा शिक्षक और साथियों द्वारा संकेतित भाषा का प्रयोग, तीसरा स्पर्शीय और उभय सामग्री का प्रयोग, चौथा बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो कौन सा सहायक होगा? ऑप्शन थ्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में किसे बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन वन अभिसारी सोच, दूसरा सीखने की जिज्ञासा, तीसरा विचारों की मौलिकता, चौथा समस्या समाधान कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच हो जाएगा, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन वन अभी सीखे गए संप्रदायों के विस्तरण और चर्चा करने से मना करें, दूसरा विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, तीसरा विषय वस्तु को समझने के बजाय उसे रटने पर ध्यान दें, केवल मौलिक रूप से जानकारी और निर्देशन प्रस्तुत करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान उपयुक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थ्री, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन सही है लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, पहला चिंता, दूसरा बोरियत, तीसरा जिज्ञासा, चौथा हतोत्साहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन थ्री, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष कार्य को कैसे करना, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। ऑप्शन वन समावेशी ज्ञान, दूसरा अनुवेशित ज्ञान, तीसरा घोषणात्मक ज्ञान, चौथा प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन वन अन्वेषण, ऑप्शन टू बातचीत, ऑप्शन थ्री अधिसंज्ञान, ऑप्शन फोर निष्क्रिय अवलोकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी अपनी क्षमता और दिए गए कार्य की मांग के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति की समझ का परोक्ष और अप्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। पहला घोषणात्मक ज्ञान, दूसरा प्रकरणात्मक ज्ञान, तीसरा अधिसंज्ञान ज्ञान, चौथा प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थ्री, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्या को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह डैश का उदाहरण है। पहला अनुरूप सोच, दूसरा कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा अनुक्रिया समुच्चय, तीसरा पश्चगामी कार्य युक्तियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जब कोई टीचर है कोई सब्जेक्ट पे उसको समझा रहा है तो वो जो समझाया बच्चे को पूरी तरह से उसको समझ में नहीं आया, उसका डाउट जो हुआ वो गलत बात को सही मान के बैठ गया, तो वही होता है भ्रांतियाँ। तो ऑप्शन वन दिया हुआ है, विद्यार्थी को भ्रांति के बारे में बात कर देने और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें, दूसरा उन भ्रांतियों को सिर से खारिज करें और उन्हें प्रत्यक्ष संप्रदाय पर मानक जानकारी बताएं,
इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आंकलन की सिफारिश करें। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अलग संप्रदाय की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला, किसी भी प्रकार के संवेग में ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। दूसरा, संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा, संवेग समृद्धि के टूटी लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करती है। चौथा, स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेग से जुड़ी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री, संवेग समृद्धि के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति के सुसाध्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी के भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। ऑप्शन वन, मैं बुद्धिमान हूँ और प्रयास मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मेरे दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देगी। मेरे पास विज्ञान की अच्छी प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू के साथ हम जाएंगे। इसी के साथ आपका CDP का 30 क्वेश्चन पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।